नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शुक्रवार के दिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि सोना इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1996 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, $4.5 की गिरावट है कल के मुकाबले। सिल्वर देख रहे हैं $26 पर ट्रेड कर रही है और आधे फीसदी की करेक्शन है। कल के कारोबारी सत्र में हमने सिल्वर को $27 के पार जाते हुए देखा था, आप देख रहे हैं $26 पर ट्रेड कर रही है। और गोल्ड में देख रहे हैं कि $1996 पर ट्रेड होता नज़र आ रहा है। कल को हमने गोल्ड को फिर से 2000 के ऊपर रिवाइव करते हुए देखा था, यानी 2000 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखा था। गोल्ड सिल्वर की कीमतों में कह सकते हैं कि खरीदारी निकली थी, तेजी आई थी, लेकिन फिर वहां से देख रहे हैं कि हल्की सी नरमी फिर से देखने को मिली। लेकिन जो लेवल्स हैं अभी भी ऊपरी स्तर हैं, अभी भी अट्रैक्टिव हैं। घरेलू वायदा में हम पहले ही गोल्ड को 54,000 के पार जाता हुआ देख चुके हैं और चांदी भी 70,000 के पार जाती हुई नज़र आ चुकी है। तो घरेलू वायदा बाजार में भी सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें भी लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है। हम देखते हैं कि जब जब वॉर की सिचुएशन आती है या फिर कोई आपदा आती है, तब तब गोल्ड सिल्वर की जो सेफ हेवन डिमांड है वो निकलती है। अब ये जो सेफ हेवन डिमांड आई है ये यहाँ से कंटिन्यू रहेगी, और अगर कंटिन्यू रहेगी तो कब तक रहेगी ये जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में कल के मुकाबले हल्की सी करेक्शन बनी है आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। आपको क्या लगता है, क्या आज कमोडिटी बाजार में सोना चांदी फिसलते हुए नजर आएंगे या फिर यहाँ से रिवाइव भी हो सकते हैं? देखिए, अभी थोड़ा सा मार्केट के ऊपर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि स्थितियां थोड़ी संभलती नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से सभी मैटर्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। कच्चा तेल भी ऊपरी स्तरों से फिसला है और $100 पर अभी आज ट्रेड हो सकता है कि $100 तक नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे। तो आज के लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मार्केट जो है वो करेक्शन में रह सकता है, चाहे वो सोना चांदी हो, बेस मेटल्स हो या फिर कच्चा तेल। आज सभी कमोडिटीज में ऊपरी स्तरों पर एक बार बिकवाली बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, कच्चे तेल में भी देख रहे हैं कि आज नरमी के साथ ट्रेड हो रहा है। कच्चे तेल में देख रहे हैं कि बढ़त अब खोती भी नजर आ रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है, जो कच्चे तेल के बाजार के एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर वॉर की सिचुएशन फिर से या फिर कुछ भी किसी भी देश का भड़का हुआ बयान आता है या फिर कुछ भी ऐसे क्राइसिस फिर से होते हैं तो कच्चा तेल विद इन अ नाइट फिर से रिवाइव हो सकता है, फिर से जो प्राइसेज हैं उनमें हाइक देखने को मिल सकती है। WTI देख रहे हैं $105 पर है, ब्रेंट क्रूड ऑयल $108 पर। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कच्चा तेल यहाँ से अब $100 के नीचे लुढ़कने वाला है? देखिए, अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से लग रहा है कि मार्केट जो है वो करेक्शन में है और नीचे $100 तक एक बार कच्चा तेल स्लिप हो सकता है। अगर स्थिति गहराती है, अनसर्टेनिटी फिर से बढ़ती है तो फिर से कच्चा तेल जो है वो सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से कीमतों में तेजी आ सकती है। यानी कि पूरी नजर जो है, अपनी आईज जो है पैनी उसके ऊपर रखनी होगी। यूक्रेन और रूस के अंदर जो चल रही है हैपनिंग्स उसके ऊपर ध्यान रखना होगा, और दूसरा ओपेक देशों की तरफ से क्या अपडेट्स निकल कर आते हैं उसके ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन हाल फिलहाल जो कच्चे तेल की तेजी थी वो फिलहाल थमती नजर आ रही है और नीचे में $100 तक लेवल एक्सपेक्टेड है कि एक बार जा सकते हैं। जी, इसी के साथ रूपा जी देख रहे हैं बेस मेटल्स का बाजार भी आज लुढ़का है, लाल निशान पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। निकल में काफी गिरावट देखने को मिल चुकी है, 2917 पर है इस समय, MCX लेड 185 पर है और कॉपर भी इंटरनेशनल मार्केट में आज लाल निशान के साथ है। रूपा जी देख रहे हैं कि नॉन एग्री की पूरी मार्केट आज टूटती नजर आई है फ्राइडे के दिन, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। आपको क्या लगता है, क्या बेस मेटल्स में यहां से अब और निचले स्तर देखने को मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से बेस मेटल में अब थोड़ा करेक्शन में जा सकता है। निकल मैंने कल भी यही बोला था कि निकल जो है नीचे में एक बार 2040 ये रेंज एक बार डाउनसाइड में जा सकता है, क्योंकि काफी ओवरबोट है ये प्राइसेस और ये क्राइसिस की वजह से ये प्राइसेस इतने ऊपर देखने को मिले हैं, फंडामेंटली इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। और अब जब तक निकल के प्राइसेस स्टेबल नहीं होते तब तक जिस तरीके से LME पर बैन कर दिया गया है, इसका ट्रेडिंग पर रोक लगा दी गई है, और वो इसी वजह से कि ताकि प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। और अभी फिलहाल प्राइसेस जो है अभी भी काफी ऊपर चल रहे हैं अपने लेवल से, तो मुझे लगता है कि नीचे में एक बार 2000 तक प्राइसेस नीचे स्लिप होते हुए दिखाई
दिखाई दे सकते हैं, अगर उसके भी नीचे फिसलते हैं तो जो अमूमन इसकी एवरेज बनती है वो नीचे में 1800 से 1900 डॉलर के 1800 से 1900 रुपए के बीच में बनती है यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में, तो वहां पर मार्केट सस्टेन होता दिखाई दे सकता है, यानी इन लेवल्स के ऊपर भी हम एक्सपेक्ट करें कि 200-300 पॉइंट का करेक्शन मार्केट में जा सकता है। जी रूपा जी, अक्सर हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल पे तो बैन लगा ही दिया है रशिया के ऊपर अमेरिका ने और उसके सहयोगी देशों ने, अब देख रहे हैं कि यूक्रेन ने भी बोल दिया है कि यूक्रेन से भी अब एक्सपोर्ट बैन किया जा रहा है, जिससे कि घरेलू आपूर्ति पूरी की जा सके, घरेलू सप्लाई बढ़ाई जा सके, जिस हिसाब से वहाँ पे क्राइसिस हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है इसका असर नौनगरी के बाजार पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी जो असर देखने को मिल रहा है मार्केट के ऊपर वो अभी फंडामेंटली तो कोई मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जी और अभी जो है इसी क्राइसिस की वजह से ही प्राइसेस के ऊपर अपसाइड देखने को मिला था, और अगर यहाँ पर थोड़ा सा ईज ऑफ आता है तो सभी नॉन एग्री कमोडिटीज एक बार अपने ही लेवल्स पर आती हुई दिखाई देंगी, यानी फिसलती हुई दिखाई देंगी, जहां से रैली आई थी उन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, इसी के साथ रूपा जी बात करें यहाँ से घरेलू सोना बाजारों की और हाजिर बाजारों की, तो आपको क्या लगता है क्या हाजिर बाजार में भी सोने में आगे तेजी रहेगी, और अगर तेजी रहेगी तो क्या खरीदारी बढ़ेगी या फिर थोड़ी कम हो जाएगी ऊपरी स्तरों से? देखिए, तेजी तो मार्केट में सोने के अंदर स्पेशली बनी रहेगी, और अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो लेवल्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में इन लेवल्स के ऊपर लॉन्ग टर्म बाइंग थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि जी प्राइसेस काफी ऊपर है। नीचे में मार्केट अगर सस्टेन करता है 50,000 के आसपास तो वहां पर एक बाइंग का पोजिशन बनाकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, नॉन एग्री में टॉपिक्स के देना चाहेंगी आज के लिए आप? देखिए, आज इंट्राडे में मुझे लगता है कि बिकवाली की तरफ जाया जा सकता है, निकल में बिकवाली करके चल सकते हैं और कच्चे तेल में भी आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बिकवाली की जा सकती है। जी रूपा जी, आने वाला कारोबार इस हफ्ता नॉन एग्री के लिए कैसा रह सकता है, जिस हिसाब से देख रहे हैं कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन करेक्शन बनी है, तो क्या ये करेक्शन अगले कारोबारी सप्ताह भी जारी रह सकती है? देखिए, सब कुछ उस अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या उनकी जो बातचीत से निकलकर सामने आता है जी उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और उसी हिसाब से नेक्स्ट वीक में हम ट्रेडिंग आते हुए देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर युद्ध नहीं फैला तो प्राइजेस जो है वो नीचे आ सकते हैं, और अगर स्थिति गंभीर हुई तो प्राइजेस ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की,